बारिश हो रही है और फिर भी हम बढ़ते जा रहे हैं, जा रहे हैं हम आपको दर्शन कराने के लिए भगवान श्री राम की। अपने साथ चल रहे हैं तीन तीन श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ। जय जय श्री राम। इसमें ये वाला पता लगाया गया है, मेरे शेर तुम देश चलाओ, अपार खुशी है, अपार खुशी। तो अंतिम रूप देने के लिए लगे हुए हैं। तो 500 साल पहले और अब मैं सेल में कुछ अंतर आया? बहुत अंतर है। भारत का बच्चा बच्चा सामने देखा हो, यात्री निवास बन रहा है, राम मंदिर के दर्शन। हर समय चलता है भंडारा डे, क्योंकि काफी खूबसूरत ये लहर है। श्री राम। इस साल की पहली बारिश स्टार्ट हो चुकी है, पूरा बादल बादल हो रहा है, बूंदे गिर रही है, फिर भी जा रहे हैं हम आपको दर्शन कराने के लिए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के। तो भाई अभी अयोध्या मार्केट में निकलते हुए हम जा रहे हैं और अभी टाइम हुआ है 4 और देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया भाई। सामने दिख रहा है ये पुराना सा एक गेट, इसको बोलते हैं अयोध्या चौक। भाई पुरानी यादें ताजा हो गई, पिछली बार जब हम अयोध्या आए थे तो साइकिल से आए थे जब, तो इधर होके निकल के गए थे भाई, तो इधर से जा रहे हैं हम फिर से अयोध्या। तो जय जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से। और भाई आज मौसम हो गया खराब, थोड़ा लेट हो गए हम निकलने में, देखो बारिश हो रही है हर जगह, तो बारिश में भी निकले आपको दिखाने के लिए अयोध्या और आपको कराएंगे राम नगरी अयोध्या के दर्शन। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में। जय जय श्री राम। अभी हम आ गए हैं राम मंदिर वाली रोड पर और देख सकते हो भाई यहाँ पर ये रोड ना काफी चौड़ा हो चुका है, जब पहले आए थे तो बहुत छोटा रोड था, अब ये काफी चौड़ा हो गया है। और यहाँ पर जितने भी साइड के जो मकान है ना उनके कलर एकदम बिल्कुल येलो से कर दिए, येलो कलर जैसा, और भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बीच में देख सकते हो डिवाइडर और जो लाइट लगी है एकदम अलग ही लग रहा है बिल्कुल। तो भगवान राम की नगरी तो एक बिल्कुल भव्य सजाया जा रहा है, क्योंकि भगवान राम आने वाले हैं भाई साहब। हर जगह ना पेंटिंग का काम चल रहा है, तोड़ फोड़ का काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये खंभे है ना मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा है, और आगे भी हमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत ऐसे खंभे मिलेंगे यहाँ पर। अपने साथ चल रहे हैं तीन तीन डाकू मंगल सिंह बने हुए हैं अभी हम, ये भाई है मोहित भाई और अपने दीपा भाई। भाई ठंडी इतनी है ना तो डाकू बनने में मजबूर होना पड़ा हमें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई? इतनी बारिश में इतनी ठंड में हम आपको अयोध्या दर्शन करा रहे हैं, तो कमेंट में जय श्री राम तो चाहिए ही चाहिए भाई। भाई ये वाला गेट भी नया बनाया जाएगा, अभी दिख रहा होगा पुराना, आपको दिख रहा होगा रोड पर कितना पानी है, यहाँ पर काफी तेज बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है और फिर भी हम बढ़ते जा रहे हैं भाई। भाई अभी हम निकले थे वहाँ से तो बारिश आ गई तेज काफी और उसके बाद हमें रुकना पड़ गया 1 से 1.5 घंटे और अभी हो गया अंधेरा, तो हम जा रहे हैं राम की पैड़ी की तरफ, राम मंदिर की तरफ, वहाँ दिखाते हैं आपको रात का व्यू कैसा होता है। बिल्कुल राम मंदिर की जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे रौनक बढ़ती आ रही है और स्ट्रीट लाइट है काफी खूबसूरत लगी हुई है, आगे सूर्य स्तंभ भी लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल एकदम सूर्य की तरह चमकते हैं। तो चलते चलते पहुंच गए अभी हम राम जन्मभूमि राम मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ। द्वार का काम ना यहाँ बहुत तेजी से चल रहा है, देख सकते हैं ये द्वार बन रहा है, एक हो रहा और यहाँ पर ये पूरे ये लगाए गए हैं, यहाँ पर काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि रात लाल पत्थर के, और भाई देखो अभी रात हो रहा है, रात में भी यहाँ पर काम चल रहा है बहुत तेजी से। तो जय जय श्री राम। हम पहुंच गए हैं मुख्य द्वार पर, यहाँ से देखो रास्ता स्टार्ट होता है, यहाँ कितना चौड़ा ये रोड कर दिया गया है, ये मुख्य द्वार लगा हुआ है, अभी श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ना रात के अंधेरे में भी बहुत जबरदस्त यहाँ पर काम चल रहा है भाई, और पूरी रात यहाँ पर काम चलता जाता है क्योंकि काम अभी काफी है और दिन बचे हैं कम भगवान राम के आने में। तो चलिए जितना पॉसिबल होगा हम दिखाएंगे, क्योंकि राम मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, तो जहाँ तक वीडियो बना सकते हैं वहाँ तक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है रात का नज़ारा, तो देख सकते हो ना रात में भी श्रद्धालुओं की यहाँ पर कमी नहीं आए हुए हैं, देखो कितने बुजुर्ग श्रद्धालु आ रहे हैं राजस्थान से यहाँ पर। तो यहाँ से प्रारंभ होता है पैदल वाला रास्ता भगवान राम के मंदिर तक जाने के लिए, और यहाँ पर भी ना काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, अभी ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, उधर से फुटपाथ है, यहाँ पर जो पत्थर लगाए गए हैं ना वो पत्थर ऐसे हैं जो ठंडी में ना ठंडे होते हैं, गर्मी में ना ज़्यादा गर्म होते हैं, ये क्रेन वगैरह लगी हुई है, तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर सभी मजदूर लगे हुए हैं भाई बनाने में भगवान राम के मंदिर को दिव्य रूप लेने देने के लिए, पत्थर का काम चल रहा है घिसाई का दिन रात, इन लोगों की मेहनत को ही भाई सैल्यूट है, इनकी मेहनत की वजह से हम भगवान राम का मंदिर यहाँ बन पा रहा है। यहाँ पर ये वाले पत्थर पड़े हुए हैं ना काफ़ी भारी सा है, ये वाला पत्थर कहाँ लगता है? ये जो लाइन है ना लाइनिंग
इसमें ये वाला पत्थर लगाया गया है और यहाँ पर ये बड़ा वाला लाल पत्थर लगाया गया, बहुत अच्छा आकार दिया गया है यहाँ पर, तो ये एकदम डिवाइडर का काम करेंगे। ये जो शेड बनाया गया है ना बारिश धूप से बचने के लिए, भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तैयारियाँ ज़्यादा चल रही हैं तो श्रद्धालुओं का भी आना यहाँ पर मना है, क्योंकि यहाँ पर होटल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। 23 के बाद जब मंदिर ओपन हो जाएगा तब यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होगी ना भाई, पूरा ये शायद ये जगह कम पड़ जाए श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर देखो ये पत्थर का ना नक्काशी करके बनाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। देखो यहाँ पर ये गेट बनाया जा रहा है जो कि ऊपर लगाया जाएगा, बहुत ही खूबसूरत रहेगा, नहीं उठेगा किधर लगाया जाएगा भैया ये गेट? ये गेट क्या ऊपर से ऐसे कवर होगा पूरा? अच्छा ऐसे पिलर रहेंगे ये? अच्छा अभी यार बनेगा तो धनुष बनेगा इसमें। हाँ ये पत्थर उठा रहा है ना, इतना भारी है भाई, तो यार अकेले हिला दिया था हमसे, तो दो लोगों से मुश्किल से उठेगा ये पत्थर। कितना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे लोग भगवान राम के आगमन के लिए, निरंतर इतिहास में दर्ज होने वाला भाई आपका नाम, इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास में दर्ज रहेगा आगे सालों तक, लोग याद रखेंगे आपको। कर रहे तो बढ़िया ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम 12 बजे तक करेंगे, 12 बजे उसके बाद में कंपनी हमारे लिए खाना लाएगी। अच्छा तो यहाँ पे काम जो चल रहा है 24 घंटे चल रहा होगा शिफ्ट में ना, शिफ्ट बदलती रहती होगी। अच्छा आपने बहुत जगह किया होगा यहाँ पे काम करके, अलग लग रहा है कुछ? हाँ जय श्री राम, दर्शन हो गए आपके? हाँ ये जा रहे हो? नहीं दर्शन कर आए हैं। अयोध्यावासी हैं आप तो? अयोध्यावासी हैं। अच्छा तो जय श्री राम, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम तो बराबर आते रहते हैं। लोग तब आए हैं जब 1982 में सुनील दत्त यहाँ पर आए थे। अच्छा। दर्शन करने के लिए उस समय इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, 5 किलो का ताला लगा हुआ था। अच्छा तो राम को देखा था मैंने, मतलब वो एक लाल कपड़ा, हाँ, टेंट में चौका बना हुआ था सीता जी की रसोई का। अच्छा। बगल में बिल्कुल जस्ट बगल में इतना मैंने देखा था उस समय। आपने तो वो आंदोलन भी देखा होगा 1992 में ना? अरे बहुत आराम से जो लोग अकेले थे वो भाग करके शरण लिए थे। ऐसी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको भगवान 22 तारीख को आने वाला? खुशी है, अपार खुशी। ठीक है तो जय जय श्री राम। एक शब्द कहना है, हाँ अगर आप कहीं भेज रहे हो बिल्कुल मेरा मेरे शेर तुम देश चलाओ, ये बेटी खुद बच जाएंगी, अगर जरूरत पड़ी देश को बेटी देश बचाएंगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, बेटियां जितना काम कर रही, बिल्कुल बिल्कुल देख के मुझे लगा कि हाँ बेटियां बहुत काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जैसे आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद शेड के नीचे ना यहाँ पर बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत भाई पत्थर का ये बनाया गया है, यहाँ पर आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो आराम, और धीरे धीरे अपनी यात्रा को पूरी करते हुए भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हो आप। अभी थोड़ा गंदा हो रहा है आसपास, जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, अभी भी काफ़ी सुंदर। और देखिए यहाँ पर हमारे राम भक्त अभी इसको अंतिम रूप देने के लिए लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत। भाई राम मंदिर के रास्ते में भैया जी देखे, मैं क्या नाम था भैया जी? दीपक। जय श्री राम। कब से बेचते हुए? पाँच छः साल हो गए। तो 5-6 साल पहले और अब मैं सेल में कुछ अंतर आया? बहुत अंतर है आपको। हाँ अब थोड़ा सेल बढ़ा है, वो आने लगे बड़ा भक्त भी आने लगे ज्यादा, है ना? खुश हैं आप? बहुत बहुत। अच्छा जी, तो आप राम जी कृपा बस। अच्छा कृपा वैसी बनी रहे सबके ऊपर, बहुत बढ़िया है। तो देखो भैया ये खुशी का अंदाजा ला सकते हो कि राम मंदिर बनने से लोग कितने खुश हैं, है कि नहीं? भगवान राम आ रहे हैं और सबके चेहरे पे खुशियाँ भी ला रहे हैं। तो भाई देखिए ये है भगवान राम की माया, जय श्री राम। तो भैया यहाँ पर आते हैं तो भाई दर्शन करने आते हो तो भैया से खाइएगा आप, कितने का है? दोनों 10 का छोटा 20 का बड़ा। लो भाई यहाँ पे भी देखो 10-20 का दे रहे हैं भैया, बहुत अच्छा इतने कम पैसे में यहाँ पर मिल रहा है, तो भाई खाइएगा आप चाट आके यहाँ पर, और भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया, जय जय श्री राम। तो कोई बात नहीं, तजी खा सकते हैं तो भाई देखो भैया का दिल, अमीर भी आता है कोई गरीब भी आता है, बिल्कुल। तो भाई भैया का दिल कितना बड़ा है, देखो मेरे पास पैसे नहीं थे खुले, तो भैया कह रहे हैं आप खा लो पैसे मत देना, भैया कह रहे हैं किसी पैसे नहीं होते ना तो भैया ऐसे भी दे देते हैं उनको, तो देखो भाई का दिल, तो बड़े बड़े पैसे वालों का दिल ऐसा नहीं होता जैसा भाई का दिल है भाई, जैसे कि आते हैं कोई कहते हैं पैसे नहीं खा सकते कोई सही बात है। तो भाई अभी फ्रेंड से 10 रुपए लेके आए, भाई ने बोला ना भेलपुरी के लिए, भाई कह रहा पैसे मत दो, पर ऐसा अच्छा बात अच्छी बात नहीं होती, गरीब इंसान है तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, तो फिर से बात करते हैं भाई से और हम भी भेलपुरी लेते हैं। तो भाई भैया ने हमारा बना दिया यार, बहुत देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाते हैं तो भैया यार प्यार से खिला रहे हैं तो अच्छा ही होगा,
है ये 10 का। 10 का देखो भाई, 10 रुपए में भी इतना बड़ा मिल रहा है यहाँ पे। तो दोनों साइड पर यहाँ पर ये पत्थर का ना ये काफी अच्छा दीवार बनाया जा रहा है भाई, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। अच्छा ये दोनों तरफ यहाँ पर बहुत ही भव्य रूप दिया जा रहा है, देख सकते हैं यार। ये इस तरीके से बनाया जा रहा है पत्थर, सॉरी पत्थर का नहीं है ये, ये ऐसा फ्रेम को बनाकर और फ्रेम को लगा कर फिर इसके ऊपर ये कुछ मेटल है या क्या है, लकड़ी है, उससे ये डिजाइन बनाया जा रहा है यहाँ पर। ये लकड़ी का है क्या फिर, कौन से पत्थर है ये वाला ना? अच्छा अच्छा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा भाई। राम मंदिर आप आओगे तो यहाँ पर ऐसा व्हील चेयर का फैसिलिटी भी आपको मिलेगा, दिव्यांग है बुजुर्ग है उनके लिए। हम वापस नहीं कर रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं। तो चलते चलते काफी आगे आ गए हम, और बिल्कुल जस्ट थोड़ी सी पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा मेरे राम मंदिर, जो पीछे वो लाइटें दिख रही है वो लगी हुई है क्रेन, वहाँ से अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो पीछे वो राम मंदिर आप देख सकते हो यहाँ से, तो भाई कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और ये रोड देखिए जो है राम पथ है ना, उसको कितना चौड़ा बनाया जा रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर लाखों आदमी एक साथ चलेंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो चलने में, तो हिसाब किया जा रहा है बहुत ही चौड़ा। और ये पहले ये रास्ता बहुत छोटा हुआ करता था, पर ये इतना चौड़ा कर दिया गया ताकि सभी राम भक्त आसानी से भगवान राम के दर्शन कर सकें यहाँ पर। तो धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं भगवान राम लला के मंदिर के पास में, और देखिए काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करके आते जा रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर दर्शन करके आ रहे हैं। ये सब ये माता जी लोग दर्शन करके आ रहे हैं और यहाँ पर भी ये कुछ कंस्ट्रक्शन होके बन रहा है शायद, ये भी एंट्री गेट है। और सबसे पहले आपको दिखेगा सिंह द्वार भाई, सबसे पहले सिंह द्वार है ना, सिंह द्वार सबसे पहला, सिंह द्वार भाई, सिंह द्वार से आप प्रवेश करोगे। और यहाँ पर भी शेड बना हुआ निःशुल्क, यहाँ पर भाई आपको टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी, और PNB की तरफ से यहाँ पर निःशुल्क वाटर लगाया गया, जो कि आपको ठंडा गर्म RO वाटर मिलेगा वो भी फ्री। उधर आपको टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज़ है, मतलब सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो सभी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और ये है व्हील चेयर जो कि आप यूज कर सकते हो, और जो सामने जो लाइटिंग दिख रहा होगा ना आपको, वो वही क्रेन्स की लाइट है जहाँ पे कि राम मंदिर का काम चल रहा है, और वो पूरा उधर से एरिया से ये पूरा एरिया में राम मंदिर का काम चल रहा है। तो यहाँ पर लॉकर रूम मिल जाएंगे आपको, सामने दिख रहे हैं निःशुल्क लॉकर रूम बनाए गए हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर। तो फ्री में आप अपना यहाँ पर मोबाइल बैग वगैरह जमा कर सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और यहाँ भी आई थिंक लॉकर वगैरह, लॉकर रूम या कोई काउंटर वगैरह जो भी बन रहे हैं, बन के तैयार हो जाएंगे तब बता पाएंगे हम आपको, अभी तो नहीं बता सकते फिलहाल। यहाँ पर ये है, यहाँ से आगे आपको मोबाइल ले आना अलाउड नहीं है। बैगेज एरिया लॉकर वगैरह है ना, अच्छा लॉकर उधर एंट्री गेट है, लॉकर रूम है। हेलो सर, ये लॉकर्स वगैरह के लिए है ना, यात्री निवास बन रहा है, यात्री निवास, ओके, चेकिंग पोस्ट है, सामानों का जो चेकिंग होगा, अच्छा लॉकर्स वगैरह भी सामान वगैरह जमा होगा, सब वही रहना पूरी व्यवस्था है उसमें, एंट्री गेट यही रहेगा जो मेन द्वार है। ठीक है, तो सर ने बोला कि यहाँ पे यात्री निवास वगैरह बन रहा है जो श्रद्धालु वगैरह आएंगे, और यहाँ पर चेक इन वगैरह होगा, ये छोटे छोटे जो काउंटर बने हुए हैं, अंदर नहीं जा रहा है, यहीं से सिर्फ यहीं खड़े सर, अंदर नहीं जा रहे, यहाँ से ये जो काउंटर बन रहे हैं यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगा, और आपका सामान वगैरह मोबाइल वगैरह यहाँ पे सब जमा किया जाएगा। तो देखिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और पीछे चल रहा है वहाँ पर यात्री निवास, यहाँ पर यहाँ से आप कीजिए राम मंदिर के दर्शन। सामने ये बन रहा है राम मंदिर हमारा, जिसमें कि हमारे रामलला विराजमान होंगे 22 तारीख को। जय श्री राम। तो सामने आपको दिख रहा होगा अमावा राम मंदिर, जो पहले एक साल पहले जो मंदिर का दर्शन के लिए एंट्री होती थी वो उधर से होती थी, जो कि अब बंद कर दी गई है क्योंकि ये राम पथ तैयार हो चुका है। अमावा राम मंदिर में भाई हर समय चलता है भंडारा, 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चलता है, तो आप आइएगा तो भंडारा जरूर खाइएगा यहाँ पर। और ये है एंट्री द्वार, यहाँ से आगे आपका मोबाइल पर्स कुछ भी सामान आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा, यहाँ से आप राम मंदिर के दर्शन करके, और ये है एग्जिट गेट, इधर से आप बाहर आएंगे। तो राम मंदिर के दर्शन करके अभी हम राम पथ से होते हुए जा रहे हैं बाहर की तरफ, और लोगों का श्रद्धालुओं का आना कभी कम हो चुका है क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। और वापस आते हुए यहाँ पर एक पेड़ दिखा पीपल का, जिसपे कि काफ़ी खूबसूरत ये लैंप लटकाए गए हैं बास्केट वाले, और अंदर लगाए बल्ब,
तो भाई काफी खूबसूरत लगे तो सोचा कि आपको भी दिखा दें। तो हमने आपको कराए राम मंदिर के दर्शन और क्या क्या यहाँ पे तैयारियां चल रही है 22 जनवरी के लिए भगवान राम लला यहाँ पर विराजमान होंगे। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि राम मंदिर की कोई भी जानकारी या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।